नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दलित समाज ने किया सुभाष चौक में रोष प्रदर्शन। गत दिवस दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाने पर दलित समाज ने रोष प्रदर्शन किया। आरएसएस व भाजपा पर लगाया संविधान की प्रतियां जलाने का आरोप। मनुष्य मृति की कृतियां जला करके जताया रोष। भाजपा सरकार पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप। देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। दलित समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा सुभाष चौक में रोष प्रदर्शन किया गया। गत दिवस दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाने पर दलित समाज में रोष है। दलित समाज ने आरएसएस और भाजपा पर संविधान की प्रतियां जलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान बदलने की साजिश है। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा वाल्मीकि महासभा, हरियाणा मजबी सिख महासभा सहित विभिन्न दलित संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आप देख रहे हैं कल की एक खास रिपोर्ट। पर कल की बात है, दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो कि भारत भाजपा और आरएसएस के कथातथित गुंडे भी उन्हें कह सकते हैं या उनके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कल जंतर मंतर दिल्ली के अंदर भारत के संविधान को जलाया है। भारत का संविधान जलाना एक बहुत बड़ा अपराध है। जिस संविधान के बलबूते आज भारत देश चल रहा है, उस संविधान की सरेआम भाजपा सरकार के शासनकाल में सरेआम उसको सड़कों के ऊपर जलाया जाता है। और दिल्ली प्रशासन ने, भारत सरकार ने या पुलिस ने उन लोगों के ऊपर कोई FIR तक दर्ज नहीं की। आज इसके विरोध में, संविधान जलाने के विरोध में, और सभी दलित संगठनों ने यहाँ धरना दिया है। एक सांकेतिक हम धरना दे रहे हैं और यहाँ जब मनुस्मृति की कृतियाँ जलाएंगे, उनका दहन करेंगे। अगर इनकी कार्रवाई, ये 10 दिन के अंदर अंदर इनकी कार्रवाई नहीं करते तो 2 अप्रैल, जिसने भारत सरकार की पहले भी जड़ें हिलाई हैं कि 2 अप्रैल वाली स्थिति हम दोबारा उत्पन्न करेंगे।